तो ये हमारा इन्नमल आमाल बिन्नियात एक हदीस है जिसको 3 पर्सन ने रिपोर्ट किया फॉर द फर्स्ट पोजीशन, उमर फारूक, अबू बकर और उस्मान। ये अब उमर फारूक भी क्या किया, 3 रिपोर्टर को रिपोर्ट किया, अबू बकर भी 3 अनदर रिपोर्टर को रिपोर्ट किया, उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने भी अनदर 3 रिपोर्टर्स को रिपोर्ट किया है हदीस। तो इस टाइम दिस विल बी कॉल्ड मशहूर। ओके अयकून फ़ी कुल्ली माना एतबाल कसते फिल मशहूरी अयकून फ़ी कुल्ली मौदिन अक्सर मिन इसनैनी। ओके मशहूर हदीस के सनद में सनद के रावी ज़्यादा होने का मतलब ये होता है कि हर पोस्ट पर रावी 2 से ज़्यादा हो। वहादा माना कौलहिम इन्नल अकल्ला हाकिमुन अलल अक्सरी फ़ी हादल फ़न्नी फ़फ़हम। तो आपको ये जान लेना चाहिए कि इस हदीस के मामले में हदीस इस्तलाह मुहदिसिन में और इस उसूल हदीस के फ़न में ये मुहदिसिन का ये कहना कि इन्नल अकल्ला हाकिमुन अलल अक्सरी यही है, मतलब कि जहाँ पे एक सनद में पाँच 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 रावी आया और एक एक प्लेस पर एक सिंगल रिपोर्टर है, तो सिंगल रिपोर्टर के अकॉर्डिंग वी विल से दिस इज़ गरीब। वेदर इन एवरी प्लेस देर वे 5 पर्सन 5 पर्सन 5 पर्सन 5 पर्सन एंड सिंगल पर्सन। सो बिकॉज ऑफ दिस सिंगल पर्सन ऑल हदी बिकॉज ऑफ दैट सिंगल पर्सन द चेन विल बी कॉल्ड गरीब। वेदर बिफोर दिस सिंगल पर्सन एवरी वेयर इन दिस इन द चेन ऑफ हदीस ऑल वेयर 5 पर्सन 5 पर्सन। ओके 5 पर्सन समझा, यानी एक लास्ट पर्सन सिंगल पर्सन है मगर उस लास्ट से बिफोर लास्ट पर्सन इन एवरी एवरी पोजिशन ऑफ चेन ऑफ हदीस ऑल आर 5 पर्सन पर्सनस। ओके समझते हैं ना। तो उस सिंगल पर्सन की वजह से उस वाहिद पर्सन शख्स की वजह से वी विल से दैट दैट दिस हदीस इज़ गरीब नॉट मशहूर। وعلم مما ذكر أن الغرابة لا تنافي الصحة ويجوز أن يكون الحديث صحيحا غريبا بأن يكون كل واحد من رجاله ثقة। ओके और इससे हमें यह बात भी पता चल गई कि गराबत यानी किसी हदीस का गरीब होना, गरीब होने की वजह से वो हदीस सही नहीं है, ये गलत है। यानी अगर कोई हदीस गरीब है तो भी सही हो सकती है वो हदीस, ठीक है। यानी हदीस गरीब भी सही, गरीब इवन ए गरीब हदीस में भी सही। वयजूज़ अन यकून अल हदीसु सहीहन गरीबन एंड इट इज़ और ये जायज़ है कि हदीस सही और गरीब हो, सही गरीब। ओके हादा हदीस सही उन गरीब उन अभी कुछ से बेयकुन कुल्लु वाहिद मिन रिजालिहि सिकतुन। ओके मतलब क्या है, हदीस गरीब है मतलब सिंगल पर्सन है, एवरी रिपोर्टर ऑफ द हदीस इज सिंगल, बट मे बी ऑल ऑफ देम मे बी सिकत पर्सन। वल गरीब कद तको बेमान शादी एंड सम टाइम द वर्ड गरीब इज़ यूज फॉर शाज मीनिंग ए शुजूज हुआ मिन अकसाम तानी फिल हदीस। शाज मीन्स दैट इज़ आल्सो ए सबब ए रीज़न ऑफ तान ब्लेम इन हदीस। वहादा हुआ मुराद मिन कौल साहिब मसाबिह मिन कौलिही हादा हदीस गरीब लम्मा कौल बतरीक तानी एंड दिस इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड ऑफ साहिब मसाबी व्हेन ही सेस हादा हदीस गरीब व्हेन एवर ही टॉक्स इट इन द प्लेस ऑफ ब्लेम मीन्स व्हेन साहिब मीन्स ऑदर ऑफ मसाबी सेस हादा हदीस गरीब इन द मीनिंग ऑफ ब्लेम इट मीन्स हादा हदीस शाज़ुन। ओके व बाज़ु नासी युफस्सिरून शाज़ा बिमुफ़रद रावी मिन गैर एतबार मुखालफत सिक़ाती
And some of Muhaddisin says that Shaz means that is only single reporter. It is not. Isn't it meaning? This meaning is not taken that reporter is against another reporter. Okay. Some Muhaddisin says Shaz means Hadith is. Some Muhaddisin says Shaz means reporter of a hadith. Hadith is single, in every place is single. Not a reporter is against another reporter. Okay, we don't mind that. Reporting hadith another secret person will be Shaz. But if reporter is single, that time we will say it is. Shaz kama sabqa, as we have discussed earlier. Wa yaquluna sahihun shazun, and those muhaddisin are saying hadha hadithun shazun wa sahihun ghair shazin, and this is sahih but ghair shaz. Ghair shaz means ghair mufrad. Fa shuzuz bi hadha al mana aidan la tunafi sihata, and even Shaz has Shaz is not against the meaning of Sihat Sahih in this meaning. As Kal Gharabati, as Gharabat means as Gharabat is not against the Sihat, like that Shah is not against the Sihat. Walladhi yudhkuru fi maqami tani huwa mukhalifu siqati, and what Shaz, when Shaz is used in the place of Tan, it means that is against the Siqat reporters. Okay, agar hum hadith hum kehte hain hada hadithun shazun, to iska matlab agar hum Tan blame karna chahte hain us waqt meaning kya hoga ki ye hadith dusre Siqat rawi ke against mein report kiya gaya hai. Samajhta hai na?